क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। वैसे प्रीति जिंटा अक्सर क्रिकेट फैंस की फेवरेट रही है। आईपीएल में तो उनका जलवा देखते ही बनता है और कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि प्रीति को क्रिकेट और उससे जुड़ी बातों की अच्छी खासी नॉलेज है। मगर प्रीति ने अपने फैंस का भरोसा उस वक्त तोड़ दिया जब उन्होंने एक गलत ट्वीट कर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। इस पर प्रीति को क्रिकेट फैंस ने इतनी लताड़ लगाई कि मजबूर होकर प्रीति को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीती। जीत की खुशी को सारी दुनिया के सामने जाहिर करने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने एक ट्वीट किया। हालांकि उनसे इस ट्वीट में दो छोटी छोटी गलतियां हो गई जो उनको भारी पड़ गई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बधाई हो भारतीय क्रिकेट टीम को टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियन टीम बनने पर #ManInBlue। अब इस ट्वीट के बाद तो ट्विटर पर उन्हें बेहिसाब ट्रोल किया गया। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, मैडम ये टेस्ट सीरीज थी ना कि टेस्ट मैच। वहीं एक और यूजर ने लिखा, बॉयज आर नॉट इन ब्लू, दिस इज नॉट वन डे सीरीज, दे आर इन व्हाइट। एक और यूजर ने लिखा, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, अधूरी जानकारी बेहद खतरनाक होती है। टेस्ट मैच जीतने वाली भारत पहली टीम नहीं बल्कि टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली टीम है। टेस्ट मैच तो पहले भी जीते गए हैं। जब ये मामला यही नहीं रुका तो थक हार कर प्रीति को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। हालांकि ट्वीट को डिलीट करने के बाद भी फैंस नहीं रुके और वो प्रीति को टैग कर टेस्ट सीरीज और टेस्ट मैच में अंतर बताते रहे, साथ ही ब्लू और व्हाइट ड्रेस का डिफरेंस भी समझाते रहे। बहरहाल प्रीति बैकफुट पर आ गई और उन्होंने अपना ट्वीट हटा दिया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।